हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर करेंगे वर्ड्स की आउटलाइंस, उसके बाद उनके स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग्स। हम 30 वर्ड्स लेते हैं और ट्यूसडे और थर्सडे को करते हैं, और ये मैं अल्फाबेटिकली लेता हूँ। अब हम अभी सी लेटर पर हैं, जो सी से शुरू होते हैं वो मैं वर्ड्स आपको कराऊंगा अभी। इनको वर्ड्स को चुनते वक्त मैं ख्याल रखता हूँ कि अपने हिसाब से जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट, चाहे वो मीनिंग की वजह से हो, चाहे वो आउटलाइन की वजह से हो, चाहे वो स्पेलिंग की वजह से हो, तो उन वर्ड्स को चुनता हूँ मैं जो आपके लिए मेरे हिसाब से ठीक रहेंगे। आप इनको करते रहिए, और जो आपको मुश्किल लगे उनका अलग से रजिस्टर बना के आप उनको रिवाइज कर सकते हैं समय समय पर। यही मेरी सजेशन है आप लोगों को। नेचुरली जब आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आती है। मे बी आपको जॉब में काम आ जाए, मे बी किसी टेस्ट में आ जाए, रिटर्न में आ जाए, स्किल में आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ जाए, किसी को पढ़ाने के लिए आ जाए, उसका कहीं भी यूज़ हो सकता है। तो इसको आप पॉजिटिवली सोचकर ध्यान से करिए। अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आउटलाइन दिखाऊंगा वर्ड्स की, और आप स्पेलिंग लिखिएगा साथ के साथ। उसके बाद मैं आपको वर्ड्स की स्पेलिंग भी दिखाऊंगा और उसके मीनिंग भी। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। आप सबसे पहले ये देख रहे होंगे वर्ड, मैं आपको पढ़ देता हूं सभी। फर्स्ट वर्ड इज सेसेशन। सेसेशन, स्पेलिंग लिख सकते हैं आप साथ के साथ, सेसेशन। दिस इज चैलेंजेबल। चैलेंजेबल, इसको चैलेंज बोला जाता है फर्स्ट प्लेस पे, चैलेंज, चैलेंजेबल। नेक्स्ट इज शैंपेन, SHMPN, शैंपेन। नेक्स्ट इज चैंपियन, चैंपियन। आफ्टर चैंपियन इट इज चांसलर, चांसलर, ये एल डबल होगा, चांसलर। चांसलर के बाद है शैंडलियर, SHNDLR, शैंडलियर। इसके स्पेलिंग थोड़े मुश्किल लगेंगे आपको। नेक्स्ट इज चैनलिंग, चैनलिंग, इज सिंपल। आफ्टर चैनलिंग इट इज क्योटिक, क्योटिक। दिस इज कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइज, एस ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे ओके शन करना है इसको, के डबल होंगे, कैरेक्टराइजेशन। ऑल्टरनेटिव इज कैरेक्टर, यहां कैरेक्टराइजेशन, दिस इज ऑल्टरनेटिव। दिस इज चार्जेबल, चार्जेबल। ये है चैरियट, चैरियट। सभी सी से हैं, चैरियट। दिस इज कैरिस्मैटिक, कैरिस एम हाफ, कैरिस्मैटिक। नेक्स्ट इज चैरिटेबल, चैरिटेबल। दिस इज चार्टर्ड, CHRTRD, ये हाफ हो जाएगा, चार्टर्ड। अगर चार्टर हुआ तो फिर वो आर डबल होगा, अगर चार्टर्ड होगा तो ये आर होगा और उसके बाद TRD होगा, चार्टर्ड।
दिस इज चार्टर्ड, दिस इज चार्टर्ड. नेक्स्ट इज शॉफर, एस एच ओ एफ आर, एस एच ऊपर जाएगा, एफ आर एस ए आएगा, शॉफर, शॉफर. आफ्टर शॉफर इज शॉवनिज्म, शॉवनिज्म, एस एच वी एन एस एम. दिस इज चीयरफुलनेस, चीयर थ्रू द लाइन है, चीयर हो गया, और एफ एस फुलनेस, चीयरफुलनेस. ओके, फर्स्ट वन इज चाइल्डिश, ये चाइल्ड करके सी एच एल हाफ करके चाइल्डिश, एस एच चाइल्डिश. After childish is chivalrous, chivalrous, S H V L R S, chivalrous, chivalry से बनता है chivalrous. This is chocolate, chocolate, chocolate बोल दीजिए, chocolate बोल दीजिए, चॉकलेट भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज कॉलरा, अब हम कॉलरा बोलते हैं तो कॉलरा भी बोलते हैं, कॉलरा, यू कैन टेक इट एज कॉलरा ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, जैसे आप चाहें. आफ्टर दिस इज क्रिसमस, क्रिसमस में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. क्रिसमस के बाद आते हैं हम क्रॉनिकल, क्रो एन सी एल, क्रॉनिकल के एल, सॉरी क्रॉनिकल. नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजी, क्रो एन एल जी, क्रोनोलॉजी. Then it is churning, chur, chur, r n i n g, churning. This is c h t n, chutney, chutney. Next is cigarette, s g r half, cigarette. उसके बाद है साइफर, सिफर भी बोल देते हैं लेकिन साइफर फर्स्ट प्लेस पे लिखना है इसको. दिस इज सर्कट, सर्कट आई वुड से आर है ये, थोड़ा सा देख लीजिएगा, सर्कट के हाफ, सर्कट स्पेलिंग लिख दीजिए सर्कट के. लास्ट इज सर्कुलर, एस आर के एल और आर, सर्कुलर. दैट्स ऑल. अब हम इसके स्पेलिंग देखेंगे और इसके मीनिंग देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर वर्ड्स की स्पेलिंग है और उसके मीनिंग भी है उनके साथ में. तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहला वर्ड है सेसेशन, सी ई डबल एस ए टी आई यू एन, सेसेशन. सेसेशन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, लीविंग ऑफ. नेक्स्ट इज चैलेंजेबल, सी एच ए डबल एल ई एन जी ई ए बी एल ई, चैलेंज और उसके बाद एबल, मीनिंग आप देख रहे हैं एबल टू बी चैलेंज्ड, जिसको चैलेंज किया जा सके, दैट इज चैलेंजेबल. नेक्स्ट इज शैम्पेन, ये शुरू सी से होता है, सी एच से, लेकिन साउंड जो है इसकी शैम्पेन की है. हम सब जानते हैं शैम्पेन, सुना होगा आपने, सी एच ए एम पी ए जी एन ई, याद करने वाले स्पेलिंग्स हैं.
ए स्पार्कलिंग वाइन ऑफ फ्रांस शैम्पेन. नेक्स्ट इज चैम्पियन, सी एच ए एम पी आई यू एन, चैम्पियन हम सब जानते हैं, टू डिफेंड ए कॉज, जो किसी कॉज को किसी काम को डिफेंड करता है चैम्पियन है वो. नेक्स्ट इज चांसलर, सी एच ए एन सी ई डबल एल ओ आर, चांसलर इज द हेड ऑफ अ यूनिवर्सिटी, चांसलर होता है, उसके बाद वाइस चांसलर होते हैं. चांसलर इज मोस्टली द स्टेट गवर्नर और द प्रेजिडेंट. नेक्स्ट इज शैंडलियर, शैंडलियर ये भी सी एच से शुरू होता है लेकिन साउंड से इसको शैंडलियर होता है, श से शुरू होता है, सी एच ए एन डी ई एल आई ई आर, शैंडलियर, ए ब्रांच्ड फ्रेम फॉर होल्डिंग कैंडल्स जो नॉर्मली ड्राइंग रूम में लगाए जाते हैं, दोज आर शैंडलियर्स. नेक्स्ट इज चैनलिंग, सी एच ए एन एन ई डबल एल आई एन जी, चैनलिंग, टू चैनल, किसी भी लाइन ऑफ एक्शन जो होता है एक तरह का चैनल होता है वो भी ऐसे इस काम को करना है, दैट इज कॉल्ड चैनलिंग, लाइन ऑफ एक्शंस. नेक्स्ट इज क्योटिक, सी एच ए ओ टी आई सी, क्योस से क्योटिक बनता है, इट्स लाइक क्योस, अटर कन्फ्यूजन जहाँ पर हो, क्योटिक सिचुएशन होती है वो. नेक्स्ट इज करेक्टराइजेशन, सी एच ए आर ए सी टी ई आर आई जेड ए टी आई ओ एन, करेक्टराइजेशन, ये करेक्टर से करेक्टराइजेशन बनता है, द इफेक्ट ऑफ इम्प्रेसिंग और सेट ऑफ क्वालिटीज. नेक्स्ट इज चार्जेबल, सी एच ए आर जी ई ए बी एल ई, इसमें ध्यान रखना है ई जरूर आएगा, एबल टू बी चार्ज्ड, चार्जेबल. नेक्स्ट इज चैरियट, सी एच ए आर आई ओ टी, चैरियट इज टू व्हील्ड कैरिज जिसको रथ बोलते हैं हिंदी में. नेक्स्ट इज कैरिस्मेटिक, सी एच ए आर आई एस एम ए टी आई सी, कैरिस्मेटिक, करिश्मा से कैरिस्मेटिक बनता है, ऑफ द नेचर ऑफ ए स्पिरिचुअल गिफ्ट, कैरिस्मेटिक नॉर्मली पर्सनैलिटीज़ के साथ लगता है, जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो गिफ्ट जिनको गॉड गिफ्टेड होती हैं, दोज आर कॉल्ड कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटीज़, ऑफ द नेचर ऑफ ए स्पिरिचुअल गिफ्ट. नेक्स्ट इज चैरिटेबल, वी ऑल नो चैरिटेबल इज अ कॉमन वर्ड, एप्ट, सी एच ए आर आई टी ए बी एल ई, एप्ट एट बेस्टोइंग चैरिटी, जो चैरिटी करने में क्या बोलते हैं, मतलब एप्ट हो, निपुण हो, उसको बोलते हैं चैरिटेबल. चार्टर्ड, सी एच ए आर टी ई आर ई डी, चार्टर्ड, चार्टर्ड मीन्स हायर्ड और एंगेज्ड, चार्टर्ड प्लेन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट कैन बी एनी थिंग, चार्टर्ड. नेक्स्ट इज शौफर, ये भी श से शुरू होता है, साउंड इसकी श से होती है बट स्पेलिंग इसके सी एच ए यू एफ एफ ई यू आर. शौफर किसी भी मोटर कार का जो ड्राइवर होता है उसको शौफर बोलते हैं, आपने सुना होगा, जो सीईओज जो होते हैं उनके अगर ऑफर कभी आप पढ़ने का मौका मिले तो दे आर गिवन शौफर ड्रिवन व्हीकल्स. शौफर इज़ ए रिफाइंड वर्ड फॉर ड्राइवर. नेक्स्ट इज शोविनिज्म, सी एच ए यू वी आई एन आई एस एम, ये भी श से प्रोनाउंस होता है, ध्यान रखना आपने इस चीज़ों को. द बिलीफ योर कंट्री इज़ बेटर देन ऑल अदर्स, जिसमें ये बिलीफ हो कि उसकी कंट्रीज और सभी कंट्रीज से अच्छी है, ए पर्सन हु बिलीव्स लाइक दिस, वो उसमें शोविनिज्म है. नेक्स्ट इज चीयरफुलनेस, सी एच ई ई आर एफ यू एल एन ई डबल एस, चीयरफुलनेस वी ऑल नो द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, चीयरफुलनेस. चाइल्डिश, सी एच आई एल डी आई एस एच, चाइल्डिश भी पता है हमें, लाइक ए चाइल्ड, जो बच्चे की तरह बिहेव करे उसको चाइल्डिश बोलते हैं. शिवेलरस, सी एच आई वी ए एल आर ओ यू एस, रिलेटिंग टू
शिवेलरी और गैलेंट, ये जो ब्रेवरी, शिवेलरी इज वी कैन से ब्रेवरी ऑल्सो, शिवेलरस. नेक्स्ट इज चॉकलेट, CHOCOLATE, हम सब जानते हैं चॉकलेट. प्रिपरेशन फ्रॉम द काकोआ प्लांट. नेक्स्ट इज कॉलरा, डेंजरस एपिडेमिक डिसीज, वो भी हम सब जानते हैं CHOLERA. नेक्स्ट इज क्रिसमस, CHRISTMAS, रिलेटिंग टू द स्काई, सॉरी इट्स वी नो अबाउट द गॉड, क्रिश्चियन गॉड. नेक्स्ट इज क्रॉनिकल, CHRONICLE, क्रॉनिकल, ए रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्रॉनिकल. नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी CHRONOLOGY, क्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स एंड डेट्स. क्रोनो जो है वो उसी से ही है, डेट से रिलेटेड है. देखिए क्रॉनिकल भी और क्रोनोलॉजी भी. नेक्स्ट इज चर्निंग, चर्निंग CHURNING, चर्निंग इज टू स्टर क्रीम इनटू बटर, उसको जब हिलाते हैं, स्टर करते हैं, मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड चर्निंग. नेक्स्ट इज चटनी, CHUTNEY, ए मिक्स्ड इंडियन कॉन्डिमेंट और सॉस. चटनी हम सब जानते हैं, हिंदी का वर्ड है. सिगरेट CIGARETTE, सिगरेट इज अ टोबैको रोल्ड इन पेपर, ये भी हम सब जानते हैं. साइफर या सिफर कुछ भी बोलें, CIPHER, द साइन ऑफ ज़ीरो. नेक्स्ट इज सर्कट, CIRCUIT, सर्कट, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. नॉर्मली सर्कट जो होती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के. सर्कुलर, ये भी सब जम जानते हैं सब, CIRCULAR, सर्कुलर, ए नोटिस. दैट्स ऑल, थैंक यू.